वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। कई लड़के जो है कार्डियो को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं, आप देखोगे कई जिम में होंगे वेट ट्रेनिंग को ही बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है, आपकी बॉडी बिल्डिंग का गोल हो, चाहे आपने फिटनेस का रखना हो। इवन मैं लड़कियों को भी, जो लेडीज भी जिम लगाती है, उनको भी ये चीज समझा रहा हूं। ज्यादातर जो लड़कियां आप भी देखोगे, या कई लड़के भी जो काफी फैटी होते हैं, तो उनको सिर्फ आप देखोगे कार्डियो सेशन में देखते हैं, वहां पे वो कार्डियो ही करते हैं और कोई उनका जो है वर्कआउट नहीं रहता। साइकिलिंग कर लेंगे, जंपिंग वगैरह कर लेंगे, ट्विस्टर वगैरह कर लेंगे, एब्स का वर्कआउट बार बार करते रहेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लड़कों को और उन लड़कियों को, और इवन जो बॉडी बिल्डिंग के हैं, वो उनको भी जरूर देखनी चाहिए, उनके लिए भी बहुत कुछ रहेगा इस वीडियो में। शुरुआत करता हूं सबसे पहले, जो भी लड़के जो है मसल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, समझ लो अभी मसल बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको एक मिथ रहता है कि हम अगर कहीं हम कार्डियो कर लेंगे तो हमारा जो है मसल लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने रखना है मसल क्लीन क्लीन रखना है, मतलब आप देखो डाइट पे वैसे मैटर करती है चीजें, पर तब भी कहीं ना कहीं आप जितनी मर्जी क्लीन डाइट रख लो, वहां पे बल्क थोड़ा सा आ ही जाता है, मतलब कि थोड़ा सा फैट भी एक्युमुलेट हो ही जाता है, चाहे जितनी मर्जी क्लीन डाइट रखो। इसलिए आपको हफ्ते में 3 से 4 सेशन जो है आपके कार्डियो के जरूर रहने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत लंबे लंबे कार्डियो सेशन रखो, 15-20 मिनट कार्डियो आफ्टर वर्कआउट आपको जरूर करनी चाहिए। जो जिनका बॉडी बिल्डिंग का गोल है या जिनका मसल बिल्डिंग का गोल है, उनको कार्डियो कभी भी निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहूंगा। सेकंड चीज, अब आ जाए उन लेडीज के बारे में, और जो लड़के जो फैट उनका ज्यादा होता है तो ट्रेनर उनको सिर्फ कार्डियो करवाते रहते हैं, तो वहां पे आप ऐसी अपनी फिजिक बना लोगे, कल को अगर आपका फैट लॉस हो भी गया तो वो फैट लॉस ना होके वेट लॉस होगा। जो थोड़ा बहुत बॉडी ने मसल एक्वायर किया भी है, आप जो जिम जाते हो वहां पे बॉडी जो है, और अपना नेचुरल टेंडेंसी भी होती है मसल्स की, हमारी जो है बॉडी वहां पे मसल्स भी है फैट भी है, तो जो थोड़ा मसल भी है, लेडीज भी चाहे वो लड़के भी जो फैट है काफी मोटे हैं, वहां पे जो आपका मसल होगा वो भी ईट अप हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि अगर आपके बॉडी में मसल्स कम है तो आप जो है ज्यादातर फैट को जो है बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि मसल्स हेल्प करते हैं फैट लॉस करने में ड्यूरिंग वर्कआउट, और इवन वर्कआउट के बाद भी मसल्स जब हम रेस्ट पे आते हैं, हमारी रिकवरी चलती है, तो मसल्स को कैलोरीज चाहिए होती है और वो कैलोरीज आती है फैट से, तो फैट लॉस करने में मसल्स का बहुत बढ़िया रोल है। इसलिए आपको वेट ट्रेनिंग भी जरूर करनी है, लेडीज को भी और उन लड़कों को भी। वेट ट्रेनिंग निग्लेक्ट करोगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, वो वेट लॉस होगा। तो कार्डियो करते रहोगे तो वेट लॉस की तरफ जा रहे हो, आपने सिर्फ फैट लॉस करना है। इसलिए वेट ट्रेनिंग भी आपको जरूर करनी है, डंबल या जैसे लड़के वर्कआउट करते हैं चेस्ट डे लेग डे, ऐसे करके आपको रूटीन पूरी बनानी है। सिर्फ कार्डियो की जगह में ही घूम के नहीं आना जिम में, जिम में और भी बहुत ज्यादा मशीनें होते हैं, डंबल्स वगैरह सारे ही इस्तेमाल करने, अपना अच्छा वर्कआउट बनाओ अपने ट्रेनर के साथ और उसके बाद अपना कार्डियो करो। हाँ ये है कि आपका कार्डियो सेशन थोड़े टाइमिंग जो है वो ज्यादा रहेगी, 30 मिनट तक 25 मिनट तक आपको कार्डियो करनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा वीडियो रहेगा आपका वेट ट्रेनिंग और कार्डियो के बारे में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब।